नमस्कार, इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन आलूओं से बनाएंगे चिप्स। मैंने इनको साफ़ कर लिया है, कई पानी से धुल लिया है। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको चिप्स ही आलू चाहिए। चिप्स वरना जो आलू होते हैं, कोई भी आलू, सर्दियां हैं तो सर्दियों में अच्छे आलू आ रहे हैं, तो हमें कोई भी आलू चलेगा। मैंने ये चार आलू ले लिए हैं, ये 750 ग्राम होंगे। इनकी हम चिप्स बनाएंगे। हम लोग या बच्चे अंकल चिप्स या लेस खरीदते हैं तो उसमें एक आलू की चिप्स होती है, पूरे में पैकेट में हवा भरी रहती है, इसलिए वही टेस्ट लाने के लिए हम घर पर आपको बना के दिखाएंगे। तो इन आलूओं को हम पहले छील लेते हैं। देखिए, ऐसे ही हम पूरे आलू छील लेंगे, उसके बाद हम फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। ये आलू धुल चुके हैं और इन्हें हमने छील भी लिया है। इन्हें 3 से 4 पानी में धुला है। देखिए, बस एक लास्ट और है, इसमें हम डाल देंगे चिप्स। ये आलू मैंने कई बार धुल लिया है, इनको ये साफ भी हो गए हैं। अब इन आलुओं को हम पानी से निकाल के और इन्हें पोंछ लेंगे। एक कॉटन की कपड़े से तो मैंने इसको आलुओं को पोंछ लिए, ऐसे ही हम पोंछ लेंगे। और चिप्स काटने के लिए मैंने, आपके पास ऐसा ही हो तो आप इससे भी काट सकते हैं, और ऐसा नहीं है आपके पास ये कटर तो आप इससे भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा, देखिए इससे कर सकते हैं, नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलुओं को पोंछ लेते हैं। ये चारों आलू तैयार हो गए हैं तो आप इससे काट सकते हैं, हम आपको काट के दिखाएंगे। एक किचन टॉवल है, देखिए आप इससे भी काट सकते हैं। और आपसे इससे नहीं बन रहा, सही नहीं हो रहा है इससे, तो आप ये मशीन ले सकते हैं, चॉपिंग आपके पास होगी तो आप इससे भी काट सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपको हम खोल के दिखाएंगे, ये आलू इतनी जल्दी कट जाता है। देखिए, प्लेन चिप्स कितनी पतली है। और दूसरा तरीका आपको और दिखाते हैं अभी हम। आपके पास नाइफ तो होगा ही होगा तो आप इससे भी काट सकते हो नाइफ से। देखिए, इसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चिप्स आपकी कट जाएगी। देखिए कट गई, टाइम लगेगा पर चिप्स बन जाएगी। हो सके तो आप चिप्स कटर से ही चिप्स काटें। तो अब हम इससे काट लेते हैं पूरी चिप्स। मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आपके पास जो हो आप उसी से काट सकते हैं। ऐसे ही हम पूरे आलू काट लेंगे। ये कट चुके हैं चिप्स इतनी जल्दी, देखिए तैयार हो गए। अब इनको हम एक बार और धुल लेंगे, उसके बाद फिर सुखा के फिर चिप्स सेकेंगे। देखिए, ये चिप्स मैंने बिल्कुल सूख गए हैं, इनको पोंछ लिया है मैंने कॉटन के कपड़े से। अब कढ़ाई रख दी है गैस पर और देखिए ये भी गर्म हो गया है तेल। अब इनको हम सेकते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर। अब घंटों सुखाना नहीं, उबालना नहीं, सिर्फ मिनटों में चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। जब भी बच्चे बोलेंगे आप तभी चिप्स बना के उन्हें खिला सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको कि मार्केट की है, कैसे खिलाएं, इसमें क्या क्या होता है। आप तो जब भी आपके बच्चे बोलेंगे आप उनको बना के खिला सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही सेक लेंगे। ये चिप्स सेक रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ये नमक लिया है तो मैं नमक डाल दूँगी इसमें और
थोड़ा सा ये पानी लीजिए, पानी भी डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये चिप्सों में साइड से थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि चिप्सों में नमक हो जाए। देखिए आप बिल्कुल थोड़ा सा, दो चार बूंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो चार बूंद, देखना दूर हो गए आप, सावधानी से, नहीं कहीं छींटे पड़े आपके, आवाज़ आ रही है। इससे क्या होता है देखिए, कलर चेंज हो गया तुरंत, हो गया ना, हो जाता। देखिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। आपको पास से दिखा देंगे, ऐसे ही हम पूरी सेक लेते हैं, अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर आपको हम दिखाते हैं आगे। और ये दूसरा बैच, नमक डालना है बड़ी सावधानी से, अपने आप को बचाते हुए, नमक पानी थोड़ा सा। इसके डालने से क्या होता है, चिप्सों में नमक बराबर से हो जाता है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होता। आप बिना मसाला के भी खाएंगे तो भी ये टेस्टी आपको लगेगी। देखिए मैंने दूसरा बैच भी निकाल लिया है। अब ऐसे ही हम पूरी बाकी की सारी सब सेक लेंगे। देखिए सेक चुकी है करारी करारी करारी, देखिए आवाज आ रही है ना, गर्मा गर्म। देखिए अब हम इन्हें मसाला मिला के आपको दिखाते हैं। लीजिए चिप्स तैयार हो गए हैं। देखिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें पुदीना वाला मसाला या चाट मसाला डाल के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनमें मसाला कम बना सकते हैं और अपना इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उन्हें जैसा पसंद हो ना वैसे ही नॉर्मल पसंद ज़्यादा आते हैं। और नमक, काला नमक और मिर्ची के साथ इसे भी आप कर सकते हैं इंजॉय। और जो मैंने पानी में नमक डाला था ना भुजलिए कि इनमें ये आ जाए करारा का, इसलिए डाला था मैंने, यही होता है। और आपको ना घंटों सुखाना ना उबालना, कुछ भी नहीं करा, तुरंत तुरंत, और जब आपका मन करे तभी आप बना सकते हैं। तो मुझे तो मिर्ची, लाल मिर्ची और काले नमक पसंद है, इसलिए मैं वही बनाऊंगी। तो मैं ये हल्का सा ये नमक डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, और लाल मिर्ची, वो इसमें बनाएंगे ताकि हम सभी लोग आराम से खा सकें। लीजिए, और बच्चे हो तो आप मिर्ची ना डालें, आपका रोज़ रोज़ का झंझट भी खत्म। आप इन्हें जिप्लॉस में पैक करके महीने दो महीने भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाएंगे, ये बराबर चलेंगे। देखिए आवाज़ आ रही है सड़सड़ के, तो मैंने इसमें लाल मिर्ची और सेंधा नमक, ये तैयार हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी हूँ आपकी जानने वाली उन सभी को। और आप एक बार बनाएंगे ज़रूर, बनाना और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, शाम को चाय के साथ, बच्चों के लिए, या आप टीवी देख रहे हैं कोई मूवी देख रहे हैं तो अपने ये रख के और सभी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे आपके घर में तीखा पसंद नहीं करते हैं तो उनको प्लेन हो जाएंगे, और आप तीखा खाते हैं तो आपको लाल मिर्ची की तैयार है। मैंने इनमें लाल मिर्ची देखिए डाल दी है, और देखिए कितनी करारी है, कोई भी चिप्स तोड़ सकते हैं। आवाज़ आ रही है ऐसे, थी आवाज़ आती है कट के आवाज़।
आ रही है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।